हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रेकरेंस रिलेशन होता क्या है, जहां पे हमने बाइनरी सर्च का जो रेकरेंस रिलेशन यहां पे लिखा था, तो बाइनरी सर्च का रेकरेंस रिलेशन क्या आता है, टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी इफ एन इज ग्रेटर देन वन। और अगर मेरे पास एरे में एलिमेंट ही एक है तो ऑब्वियसली दैट एलिमेंट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मतलब वही एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो। तो यानी ये मेरी सब प्रॉब्लम या आप कह सकते हो स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए या बेस कंडीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज जो मेरी रिकर्सिव इक्वेशन है वो है टी एन बाई टू प्लस सी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी। अब आपको चेक करना है कि ये जो मेथड, ये जो फंक्शन है, ये डिक्रीज हो रहा है बाय डिवीजन, मतलब पहले n था तो ये n by 2 हो गया, और अगर मैं लेट से n by 2 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, n by 4 हो जाएगा। Yes or no? अगर मैं n की जगह n by 2 पुट कर दूं यहां पे, तो यहां पे n by 2 पुट करोगे तो n by 2 ऑलरेडी देयर इज अ डिवाइड बाय 2, तो n by 4 हो जाएगा। लेट से अगर मैं यहां पे n by 4 पुट कर दूं, मतलब n की जगह मैं n by 4 पुट कर दूं, तो यहां पे n by 4 डिवाइड बाय 2, मतलब n by 4 into 2, that is t of n by 8 plus c। इस तरीके से जो है ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है बाय डिवाइड बाय डिवीजन। तो यहां पे लेट्स से अगर ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या कर रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब 2 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर मैं 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो t ऑफ n by 2 ये मेरा आ गया, t ऑफ n by 2 की जगह मैं ये लिख देता हूं, तो यानी मेरा t ऑफ n किसके बराबर आएगा, t ऑफ n by 2 की जगह n by 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो t ऑफ n by 4 प्लस c प्लस c, ये वाला पूरा एज इट इज हमने यहां पे लिख दिया, प्लस c इज ऑलरेडी देयर एक्स्ट्रा, तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट इट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n by 2 की पावर 2 प्लस 2c लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और यहां पे 2c मेरे पास हो गए। नेक्स्ट यहां पे मेरे पास n by 4 है, इसको मैं n by 4 ही बोलूंगा। अब n by 4 की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इसको उठाओ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन गया, t n by 8 plus c plus 2c ऑलरेडी मेरे पास है, तो यानी ये t n by 2 की पावर 3 plus 3c बन गया। तो यानी यहां से आपको एक ट्रेंड पता लगेगा, एक आइट्रेशन पता लगेगी कि नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, t ऑफ n by 2 पावर 4 plus 4c, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास यहां पे ये आया, नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास ये आया, उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में ये आएगा, उससे नेक्स्ट में क्या आएगा, t ऑफ n by 2 पावर 5 plus 5c, मतलब जो पावर में है उतने नंबर ऑफ सी यहां पे आते जा रहे हैं। तो यानी इसको आप अप टू सम नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स तक चलाओ, लेट्स से मैं k स्टेप्स तक इसको आगे चलाता हूं, तो k स्टेप्स तक अगर आगे चलाता हूं, क्योंकि मेरे को ये जो फंक्शन है इसको एलिमिनेट करना है, इसको यहां पे खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो क्या है, मैं लेट्स से इसको k स्टेप्स तक चलाता हूं, तो k स्टेप तक चलाने का मतलब है tn by 2 की पावर k, क्योंकि ये देखो पहले 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7, 8, 9 अप टू k स्टेप्स तक अगर मैं इसको चलाऊं, k टाइम्स अगर मैं इसको चलाऊं, तो यानी ये n by 2 की पावर k प्लस, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, अगर यहां पे k है तो यहां पे भी क्या आएगा, kc आएगा ऑब्वियसली। तो यहां पे इस फंक्शन को खत्म करने के लिए, इसको 1 लाने के लिए, मतलब इसको अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो मुझे पता है t ऑफ 1 कितना है, 1, लेकिन t ऑफ 1 आएगा कैसे, t ऑफ 1 कैसे आएगा, t ऑफ 1 लाने के लिए मैं अगर n को 2 की पावर k को अगर मैं n के बराबर रख दूं, 2 की पावर k को अगर मैं n के बराबर रख दूं, तो देखो क्या बन जाएगा, t n by 2 की पावर k को मैं n के बराबर रख देता हूं, तो यानी ये बन गया डिवाइड बाय n प्लस k as it is आपका यहां पे c। अब देखो n by n क्या हो गया, 1, t of 1 plus k c, जिसको आप क्या लिख सकते हो, t of 1 कितना है, 1, 1 plus k c, लेकिन time complexity k में नहीं लिखनी, time complexity हमने in terms of n ही लिखनी है, तो k की value हम कैसे calculate करें, आप यहां पे log ले लो, तो ये क्या बन गया, log n is equal to log 2 power k, तो k आगे आ गया, मतलब k
log 2, log 2 क्या होता है 1, तो यानी k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, log n के बराबर आ गई। यहां पे आप पुट कर दो इस जगह पे, तो ये क्या बन गया 1 plus log n c, और c क्या है कांस्टेंट है, 1 क्या है कांस्टेंट है, जिसको आप क्या लिख सकते हो order of log n base 2, order of log n। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया हमारे पास, ये एक्चुअल में आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रेकरेंस रिलेशन, या ये भी कह सकते हो कि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है ऑर्डर ऑफ लॉग n। तो इस तरीके से जो है हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।